भाई इस्लामुद्दीन खान और आप दिख रहे हैं प्रहार टाइम। शिवसेना को हिंदूवादी पार्टी मानी जाती थी, मगर अब एनसीपी कांग्रेस से मिलकर शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बना लिया है, तो क्या शिवसेना सेकुलर पार्टी हो गई है? सेकुलर को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। कल शपथ ग्रहण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उद्धव ठाकरे से पूछा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे में क्या शिवसेना सेकुलर हो गई है? पत्रकार ने जैसे ही सवाल पूछा, उद्धव ठाकरे खुद पत्रकार से ही सेकुलर का मतलब पूछने लगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सेकुलर शब्द का जिक्र किया गया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या शिवसेना सेकुलर हो गई है? सेकुलर का मतलब क्या है वो मैं आपसे जानना। नहीं, मैं क्यों जानूं? आप पूछो ना मुझे। सेकुलर पहले बताओ, सेकुलर का मतलब क्या है? अरे भाई, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। सुनिए, स्पष्टता चाहते हैं सर। अरे सुनिए, प्रीएम्बल जो कहा है उसमें सेकुलर है ना? संविधान में जो देखिए ना, पढ़िए ना, प्रीएम्बल में लिखा है। क्या है लिखा है? उनको बोल दीजिए। संविधान में जो कुछ है वो है। जिम्मेदारी लेने के बाद कैबिनेट की पहली मीटिंग थी और मुझे खुशी है कि पहला निर्णय जो हमें लेने का भाग्य मिला है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो राजधानी थी रायगढ़, किले रायगढ़, उसके लिए जो एक काम चल रहा है, लगभग 600 करोड़ का काम है, 20 करोड़ रुपए आज तक उसके ऊपर खर्चा हो गया है और आगे 20 करोड़ के लिए जो सामने प्रस्ताव आया हमने तुरंत उसको मंजूरी दे दी है, तो शुरुआत अच्छी हुई है। और इसके बाद अब सारे लोगों को पता है कि महाराष्ट्र के जो काश्तकार है, किसान है, बहुत ही मुश्किल में है। मैं छुटपुट बातें उनके लिए नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने निर्देश दिए हैं कि आज तक जितनी सारी योजना वो राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने उनके लिए की है, घोषित की है, कितनी पूंजी उसके लिए एक्चुअल यूज की गई है और कितनी होना बाकी है, पूरा चित्र स्पष्ट होने के बाद जो एक मेरे मन में बात है वो मैं जरूर करूंगा। हमारे साथी हैं वो भी साथ में है और किसान खुश हो जाएगा, ऐसे हम तो जरूर करेंगे। लेकिन इसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं कि आज तक क्या क्या हुआ है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।